अंपायर नो बॉल प्लस वन रन है खाता, ठीक है। क्लीन बॉल लेकिन फ्री हिट है, और ये और यहां पर रन आउट हो गया। आनंद का भी बड़ा विकेट गिरता हुआ, बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद वहां पर। बढ़िया शॉट यहां पर, पांच ओवरों के बाद 28 रन, सिर्फ चार रन इस ओवर से। थ्रनर माउड और ये अथर्व सारडा की बेहतरीन फील्डिंग, मटके में बॉल हाथ में आ गया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। और बाहर मारने की कोशिश यहां पे मयूर बुरट की, अंदर मारना है मयूर अपने को, बाहर नहीं। बॉलिंग कर रहे हैं 10,000 की मीनू, इस टूर्नामेंट में 10,000 कोई काम में नहीं आ रहा है, देखते मीनू काम में आता है क्या। उठा के मार दिया यहां पे लेग साइड में, पावर प्ले का फायदा लेने की कोशिश हो रही है, अंपायर डिसीजन नॉट आउट। पावर प्ले में अंदर खड़े प्रशांत जवर, उन्होंने अच्छी फील्डिंग करी। नील व्यासला एवढा हलकन उद्या बस पकडून, हवा में शॉट,
कोई फील्डर नहीं वहां पे, सागर सारडा की अच्छी फील्डिंग। छह ओवर के बाद स्कोर हुआ है 30 रन। लेग साइड में पुल कर दिया यहां पे अंपायर डिसीजन, 1 रन। इस टूर्नामेंट के स्टार बॉलर है सुनील व्यास, 6-7 विकेट ले लिए उन्होंने इस टूर्नामेंट के, पहले उन्हें कोई बॉलिंग देता ही नहीं था। स्कोर हो चुका है 31। पैरों में बॉल ड्राइव किया ऑफ साइड में, कट लग गया और 1 रन डिक्लेयर। महेश की अच्छी फील्डिंग, वहां पर उन्होंने बॉल छोड़ दिया। वजन बोल और ये कैच ड्रॉप, ये उनका 1100वां कैच ड्रॉप है उनके लाइफ का। सीधा हाथ में डॉट बॉल स्पेशलिस्ट मयूर बुराट, फिर से ड्राइव, फिर से हाथ में, कोई रन नहीं। और ये उठा के मार दिया है और ये आउट। वहां पे सूरज साड़ा नाराज हो गए, उन्हें और 4-5 बॉल डॉट कराने थे मयूर से। उन्होंने सुनील व्यास को गालियां दे दी, काय को विकेट ली उसकी। और बैटिंग को आ रहे स्टार प्लेयर, सबसे ज्यादा टूर्नामेंट इनके टीम ने जीते हैं जिस टीम में ये खेलते हैं। मोस्ट लकीएस्ट प्लेयर एमपीएल के को क्या होजा, इस साल वो बी ग्रुप में है इसलिए कोई लक नहीं चल रहा है। बी ग्रुप मतलब डेड एंड। बॉलिंग को आ रहे प्रशांत सोवार, बैटिंग करेंगे कृष्णा। और ये वाइड बॉल, लेग साइड से वाइड चला गया ये। सूरज तेने नियम सांगा प्रशांत ला, ये वाइड है, तेने कन्फ्यूजन है। उठा के मार दिया है और ये छक्का, और पहली बार पवेलियन से कुछ आवाज आती हुई। कुक्या आप क्रीज पे आ गए और कृष्णा ने छक्का मार दिया। और ये वाइड बॉल, जैसे ही कुकिया ग्राउंड पे आ गए छक्का वाइड नो बॉल सब चालू हो गया।
आदित्य नेक्स्ट टाइम से उनको ओपनिंग लेके आते जाओ। और नो बॉल, ये है सब कुकिया का कमाल। और रिव्यू नहीं है इसमें सूरज, दिमाग मत लगाओ आप, खाली स्टंपिंग और रनआउट को रिव्यू है। गलती से नोबॉल को रिव्यू मांग लोगे आप। फ्री हिट, आगे मार के यहां पे दो रन हो सकते हैं। कुकिया की बेहतरीन रनिंग और छोड़ दिया, और ये तीन रन, और नींद में चली गई है ब्लू। दो ही बॉल इस ओवर के, दो बॉल में 12 आ गए, दो छक्के लगा दिए कृष्णा सोमानी ने। मानो इतना अच्छा कृष्णा, अगर आप खुद के टीम में खेलते राजकमल में तो उस दिन ट्रॉफी मार लेते थे आप। और ये बीट हो गए, बहुत देर बाद बॉल पकड़ा सूरज ने, तो अपील तो बनती है। येलो कार्ड दीजिए अंपायर उसको, येलो कार्ड दीजिए, नेक्स्ट मैच में बाहर निकाल दो उसको। एक प्लेयर येलो कार्ड खाते खाते बच गया, दूसरे का इंतजार है हमें। और ये पिच भी खेल दिए उकुकिया ने और स्ट्राइक रोटेट कर दी, जरूरी था। और ये आउट, और कुकिया आउट कि कौन आउट, और यहां पे ओजा लायंस रोटेशन करती हुई प्रतीक सारडा को भेज दिया है बैटिंग करने को। उनको आदित्य इतना मत बोलो, वो बॉल डालने के पहले ही भाग जाएंगे। और लास्ट बॉल खेलेंगे कृष्णा, सिक्स हिटर कृष्णा। फील्ड में चेंज 4-2। फुल टॉस बॉल, ड्राइव कर दिया, और ये अच्छी फील्डिंग वहां पे, और उतना अच्छा स्कोर हो गया है 47। 8 ओवर में 48 रन जीतने को। अंपायर इधर आ जाइए चाय पीने को, लक्षात ठेवा मी तुम्हारा साफ आजा लगलो है, माझ्या मॅचच्या वेळेस जर माझ्या साईडने डिसिजन द्या, बाहेर या बाहेर या।
मालू टाइटन्स आणि लेजेंड्स आपले कॅप्टन पाठवा टॉस साठी. मालू टाइटन्स आणि लेजेंड्स और मैच शुरू होने जा रहा है. यहां पर ब्लू के सामने यहां पर ओज अलायंस ने 48 रनों का लक्ष्य रखा है. प्रति ओवर 6 रन के औसत से ये रन बनाने होंगे वहां पर, और उस लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी के फिराक में अब दोनों भी बल्लेबाज यहां पर सलामी के रूप में स्ट्राइक पर हैं. शैलेश नॉन स्ट्राइक पर हैं, सुनील व्यास और गेंदबाजी के लिए आए हुए हैं वहां पर महेश. तो पहली गेंद डालते हुए वहां पर महेश, और यहां पर बढ़िया स्क्वायर कट खेला शैलेश ने. और यहां पर काफी बढ़िया अपील होती हुई अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेली गई एक रन के लिए. स्कोर पहुंचा 2 रनों पर. बढ़िया शॉट इसी बीच काफी बढ़िया पंच किया वहां पर शैलेश ने एक रन के लिए. बढ़िया शॉट और ये डायरेक्ट वहां पर किलू के, काफी बढ़िया फील्डिंग किलू की और रन आउट हो गए वहां पर शैलेश. तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 3 रन बनाए ब्लू ने. 48 रनों का पीछा करती हुई ब्लू एक विकेट के नुकसान पर 3 रन. तो किलो आए हैं अब गेंदबाजी के लिए और सामने
बल्लेबाजी के लिए कौशिक, बढ़िया गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर अपनी बॉलिंग फॉल थ्रो पर खिलौनी की। इस बार एक रन मिलता हुआ, सिंगल रन यहां पर। फुल टॉस गेंद और दो रन। तो इसके बाद होने वाला एक और बड़ा बिग मैच लेजेंड्स वर्सेस मालू टाइटंस, दोनों भी कप्तान यहां पर फौरन आ जाए कमेंट बॉक्स के पास, लेजेंड्स और मालू टाइटंस। दो रन फिर से एक बार, काफी पर खिला यहां पर एक रन के लिए। और यहां पर हल्की सी अपील, आत्मविश्वास कम इस अपील में, जोश ज्यादा और आत्मविश्वास कम। दो ओवरों की समाप्ति के बाद 9 रन एक विकेट के नुकसान पर, इस ओवर से 6 रन दिए यहां पर। मैच जल्दी स्टार्ट करें अंपायर, नए गेंदबाज। सुनील व्यास अब स्ट्राइक पर, जबकि गेंदबाजी के लिए महेश। अभी भी यहां से आगे 36 गेंदों में 39 रनों की जरूरत, काफी रोमांचक ये भी मैच होगा आज का। अच्छी गेंद यहां पर छोड़ा, और यहां पर आनंद ने काफी बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर एक हाथ से, दर्शनीय प्रेक्षणीय कैच मैं कहूंगा। ऐसे कैचों का जहां चमत्कार होता है वहां पर खड़े होकर दर्शकों का नमस्कार होता है, काफी बढ़िया कैच यहां पर मैं कहूंगा। तो इसके बाद होने वाला मैच लेजेंड्स वर्सेस मालू टाइटन, लेजेंड्स ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करेगी। इसी बीच काफी बड़ा झटका वहां पर ब्लू टीम ब्लू को, अब नए बल्लेबाज आए हैं उमाकांत सावड़ा। और नो बॉल करार दी वहां पर अंपायर ने। इसी बीच इस मैच को देखने के लिए आज प्रमुख अतिथि यहां पर आए हुए हैं मनोहर लाल जी सारडा, इनका मैं यहां पर हार्दिक स्वागत करता हूं संयोजकों की ओर से और कमेंट्री बॉक्स की ओर से भी। और साथ ही साथ राधा किशन जी भी, डोडिया जी भी यहां पर आए हुए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। इसी बीच कदमों का इस्तेमाल, और ये देखिए काफी बड़ी दुर्घटना घटी वहां पर, फ्री हिट का मौका, मौके पर चौका मिला, मौका उमाकांत को लगा दिया चौका, इस 4 रन से स्कोर अब बढ़ता पहुंचा 14 रनों पर। इस बार एक रन के लिए, और एक बार मौका था वहां पर, और अच्छी फील्डिंग वहां पर किलो की,
हल्के हाथों से। काफी बढ़िया बैटिंग उमाकांत की। तीन ओवरों की समाप्ति के बाद 17 रन, 30 गेंदों में अभी भी 31 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। आदित्य मालू पहली गेंद काफी बढ़िया डाली, टीम के आइकॉनिक खिलाड़ी मैं कहूंगा इस। और एक बार अच्छी गेंद यहां पर, टीम के भी कहूंगा और इस टूर्नामेंट के भी मैं कहूंगा एक आइकॉनिक खिलाड़ी आदित्य मालू। हाईएस्ट रैंक पर इस बार उनका चुनाव किया गया, सबसे महंगे खिलाड़ी वर्ष 2019 एमपीएल माहेश्वरी प्रीमियर लीग के। इस बार एक रन, काफी बढ़िया बल्लेबाजी उमाकांत द्वारा, इस सिंगल रन से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा अब 18 रनों पर। बढ़िया गेंद यॉर्कर प्रकार की गेंद और यहां पर देखते हैं रिव्यू लिया यहां पर अंपायर कॉल है, क्या अंपायर कॉल है, प्रेक्षक ने खेळाडू ने अजिबात जाऊ नये तिथ। खेळाडू ने कुणीही तिथे जायचं नाही। थर्ड अंपायर असलम शेख की ओर ये निर्णय जाता हुआ, देखते हैं असलम शेख यहां पर क्या निर्णय लेते हैं। और यहां पर थर्ड अंपायर ने आउट करा दिया, काफी बढ़िया अरेंजमेंट मैं कहूंगा यहां पर। उमाकांत काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक प्रशांत है अब स्ट्राइक पर, काफी बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 18 रनों पर। आदित्य काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया गेंद बीट हो गए बैल्स के ऊपर से, इंच दो इंच के ऊपर से गेंद गई, काफी करीबी मामला हो सकता था ये यहां पर प्रशांत के लिए। आदित्य काफी उम्मीद है उनको, उनकी टीम की ओर से बड़ी उम्मीदें हैं, देखते हैं उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। अगली गेंद आदित्य की, बढ़िया फील्डर वहां पर मौजूद और यहां पर खराब फील्डिंग, काफी खराब फील्डिंग यहां पर, ऐसे लग रहा है दोनों खिलाड़ी भूल गए थे ये क्रिकेट है, फुटबॉल की तरह गेंद को रोकने का प्रयास दोनों द्वारा। काफी मायूस नाराज वहां पर आदित्य, और चार ओवरों के बाद स्कोर पहुंचा 22 रनों पर, 24 गेंदों में अभी भी जीत के लिए 26 रनों की जरूरत। काफी रोमांचक स्थिति में यह मैच पहुंच चुका है अब।
मयूर बुराट अपना गेंदबाज स्ट्राइक पर कौशिक और यहां पर बढ़िया प्रयास आनंद द्वारा नाकामयाब रहे एक रन स्कोर बढ़ता पहुंचा अब 23 रनों पर बढ़िया बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट खेला एक रन के लिए कृष्णा गेंद को लाने के लिए और यहां पर फिर से एक बार जोरदार अपील लेकिन आत्मविश्वास काम काफी बढ़िया अंपायरिंग यहां पर देखिए काफी मनोरंजन कर रहे हैं विकेट कीपर ऐसे देखते हैं पिछली दो मैचों में पहली गेंद को चूमते हुए भगवान को याद करते हुए इनिंग की शुरुआत की थी अपनी और इस बार यहां पर थर्ड अंपायर से डिसीजन लेते हुए यहां पर आउट करार दिया सही डिसीजन मैं कहूंगा अंपायर द्वारा रिव्यू सिर्फ स्टंपिंग और रनआउट के लिए है सभी खिलाड़ी सभी कप्तान ये जान ले रिव्यू खाली स्टंपिंग और रनआउट के लिए है यहां पर काफी बढ़िया डिसीजन अंपायरों का स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ 24 रनों पर 20 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है अभी भी इस मैच को जीतने के लिए अब नए बल्लेबाज आए हैं सूरज साड़ा अब नए बल्लेबाज गेंदबाजी करते हुए मयूर बढ़िया गेंद खराब फील्डिंग वहां पर बॉलर द्वारा रोक सकते थे लेकिन नहीं रोकी वहां पर गेंद को अच्छी फील्डिंग पीछे अच्छा बैकअप किया आदित्य ने बढ़िया शॉट फिर से एक बार और इस बार आदित्य देखेंगे रुकिए थांबायचं आहे अंपायर्स पीछे इस टूर्नामेंट का नियम है अगर गेंद पोल को लगकर गई खिलाड़ी हुज्जत ना डाले वहां पर क्योंकि अंपायर के पास ये डिसीजन है आप दोनों टीमें ये डिसीजन नहीं देख सकते अंपायर अपना डिसीजन देंगे अंपायर थोड़ी देर चर्चा करके ये डिसीजन दे और अंपायर का एक डिसीजन ये गेंद चार रनों के लिए
पांच ओवरों के बाद 29 रन, 18 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। अठारह गेंदे और 19 रन, और गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार आदित्य पहली जीत की तलाश में यहां पर ओजा लॉयंस। और ये रिक्वेस्ट है ब्लू टीम और ओजा लॉयंस को, प्लीज अंपायर पे प्रेशर ना डाले, आप आपकी डिस्कशन आपके पास रखें प्लीज, सॉरी। ओके वेट बोला है, वेट बोला है, डेड बॉल है। कट कर दिया ऑफ साइड में और ये एक रन का इशारा। काफी रोमांचक मोड है ये मैच में, 17 बॉल 18 रन। शॉर्ट पिच बॉल वाइड था ये, पर बैट को लगा दिया उन्होंने और एक ही रन मिलेगा। ऑफ साइड का बॉल पूरा लेग साइड में मार दिया प्रशांत ने। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अमित अग्रवाल बॉयज प्लीज लेडीज गैलरी से इधर आ जाए, इस साइड आ जाए जेंट्स गैलरी में सारे बॉयज। और ये बीट हो गए बैट्समैन, आउट नहीं। और कुकिया का ट्रेडमार्क अपील है ये, एक मैच में कम से कम 20 बार अपील करते हैं। 15 बॉल 17 रन और ये फिर से बीट हो गए। जरा प्लीज कुक्याला येलो कार्ड तरफ बनता है सूर्याचं मला माहित नाही। फिर से बीट हो गए यहां पे, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रही है आदित्य ने। लास्ट बॉल बाकी है, लास्ट बॉल बाकी है। तेरह बॉल 17 रन और यहां पे प्रैक्टिस मैच चल रही है। लेग साइड में फ्लिक कर दिया है, यहां पे दो रन हो सकते हैं, पर आनंद साड़ा ने डाइव मार के बॉल अड़ा दिया है। एक ही रन मिलेगा। बारह बॉल 16 रन, बॉलिंग को आ रहे हैं जाने माने बैट्समैन, मेकशिफ्ट बॉलर, जिंदगी कभी बॉलिंग डाली नहीं इन्होंने। किलू एक्स्ट्रा डालने में माहिर, किलू शॉर्ट पिच बॉल कट कर दिया है, पर एक रन से कुछ नहीं होगा। 11 बॉल 15 रन, अच्छी पेस डाल रहे किलो, अच्छी प्रैक्टिस दी है लगता है आदित्य ने उन्हें। मैच अभी भी किधर भी जा सकती है। 11 बॉल 15 रन, उठा के मार दिया और एक कैच आउट और विकेट लिए किलू ने, कैच पकड़ा है कृष्णा ने और नाच रहे कुक्या। आउट है, आउट दे दिया है। 10 बॉल 15 रन, बैटिंग को आ रहे सागर।
वो क्या स्पेशल तुझ्यासाठी म्युझिक लावली आहे. डीजे आहे की अजून आहे की किती झाले 33 किती झाले 47 12 चौक 48 36 पाहिजे नाही नाही काय नाही बस काय नाही थांबा खुर्चीवर बसा इकडे मीटिंग 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 करा थोडं खुर्चीवर बसा चर्चा नंतर खुर्चीवर बसा. 10 बॉल 15 रन जल्द से जल्द बॉलिंग करे बॉलिंग टीम. दो रन माइनस कर देंगे नहीं तो वापस आनंद साड़ा फील्ड चेंज बच्चा पार्टी वहां से पैर हटा दो सब बच्चा पार्टी नहीं तो स्टेज वरना खाली आ लागल. ओके थैंक यू. लेग साइड पूरा खुला दिखाया इसलिए लेग साइड में मारने गए सागर और नो रन. 9 बॉल 15 रन बेहतरीन बॉलिंग कर रहे किलू और ये फिर से बीट हो गए. कीपर फुल जोश में आजकल अंपायर उनको सीरियसली लेते ही नहीं है. वो अपील किए तो हर बॉल पे अपील करते कि को क्या शॉर्ट पिच बॉल कट कर दिया है लेग साइड में एक रन मिलेगा और ये है योगी वंडी. लास्ट बॉल ऑफ द ओवर 7 बॉल 14 रन. अभी भी बोल नहीं सकते ओजा लायंस के पास सब स्टार बॉलर है एक एक ओवर में 15-15 20-20 रन देने में माहिर है वो तो लास्ट ओवर तक कुछ नहीं बोल सकते. फुल टॉस बॉल उठा के मार दिया और ये है चौका और बेहतरीन शॉट. जल्दी करो ओजा लायंस. और वहां पे प्रतीक्षा के पूछल में बॉलिंग डालू क्या आदित्य मालू आपने ध्यान देना चाहिए प्रतीक साड़ा पे. आनंद आप भी जा सकते हैं चर्चा में आपको बॉलिंग मिल सकती है. 6 बॉल 10 रन और बॉलिंग को आएंगे प्रतीक साड़ा दिख रहे हैं मुझे बॉलिंग को आते वक्त. छे बॉल 10 रन काफी रोमांचक और बॉलिंग करने आए हैं नन्हे मुन्ने कृष्णा सोमानी. भरोसा दिखाया है जिसने छक्का मारा था लास्ट ओवर में. जय श्रीमन नारायण. पगा पड़ लिए आपा पीच का आपा स्लो डिलीवरी कट कर दिया है एक रन और वहां पे कैमरामैन की बेहतरीन फील्डिंग. तुम्हाला 200 रुपये डिस्काउंट आम्हाला बिल मध्ये धन्यवाद. ओके यहां पे ग्राउंड पे ईरा रेजिन्स राजयोग ओवरसीज के योगेश जी कबाड़े हमारे स्पॉन्सरर का स्वागत है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाए. कट कर दिया है और ये प्रतीक साड़ा का अच्छा ट्राई कोई रन नहीं बचा पाए एक रन मिलेगा. 4 बॉल 8 रन
पैरों में बॉल उठा के मारने की कोशिश पर लेग साइड में कट लग गया है और आनंद साइड की बेहतरीन फील्डिंग, उन्होंने बॉल छोड़ दिया है, एक रन मिलेगा। इतनी सूझबूझ पहले दो मैच में दिखाते आनंद, तो हम जीत जाते हैं उजा लायंस। तीन बॉल सात रन, एक छक्का फर्स्ट इनिंग्स में लगा था, एक छक्के की जरूरत है ब्लू को इस इनिंग्स में। तीन बॉल सात रन, फील्ड में चेंज। आकाश साड़ा धीरे धीरे ग्राउंड के बाहर जाते हुए, उनको वापस बुला लिया अंदर। आदित्य मालू सिक्स के पास, किलू सिक्स के पास, सॉरी गोकुल साड़ा। शॉर्ट पिच बॉल उठा के मार दिया और यह है बढ़िया फील्डिंग, यहां पे एक ही रन मिलेगा। अच्छा ट्राई था वहां पे सूरज का सिक्स के लिए, बट वहां पे हमारे स्टार फील्डर, टूर्नामेंट के बेस्ट फील्डर आदित्य मालू मौजूद। दो बॉल छह रन अभी तक इस ओवर में एक भी एक्स्ट्रा नहीं। ओजा लायंस का ये पहला ओवर होगा जिन्होंने एक्स्ट्रा नहीं दिया हो। फील्ड में फिर से चेंज, आनंद जा रहे हैं बाउंड्री के बाहर, ग्राउंड के बाहर नहीं जाना आनंद अपने को। दो बॉल छह रन, उठा के मार दिया यहां पे गोकुल साड़ा की बेहतरीन फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। एक बॉल पांच रन, चौका गया तो ड्रॉ है ये, चौके का भी ट्राई कर सकते हैं। एक बॉल पांच रन, चौका आया तो भी चलता है, ड्रॉ हो जाएगा, छक्का आया तो मैच जीत जाएगी, नो बॉल वाइड डालेंगे तो अगले बॉल पे डिसाइड करेंगे। फिर से फील्ड में चेंज, इतनी फील्ड तो चेंज तो पिछले दो मैच में नहीं की, उतनी फील्ड चेंज इस मैच में कर रहे हैं ओजा लायंस। एक बॉल पांच रन, उठा के मार दिया यहां पे आनंद साड़ा की बेहतरीन फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा, उन्होंने थ्रो कर दिया है और ये चार रन से मैच ओजा लायंस ने जीत लिया है। एक डांस तो बनता है कुकिया का। आवाज आवाज डीजे आवाज, आणि सिक्स मारणारे कृष्णा सोमानी मॅन ऑफ द मॅच। अक्षय नावंदर माईक संपर्क करे, आमको चाबी चाहिए मंदिर की। अक्षय नावंदर